हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 75 डेज चैलेंज। तो आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आपके साथ एक स्टोरी सुनाती हूँ जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे मुझे भी सीखने को मिला था। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि बहुत टाइम पहले की बात है, एक गाँव में बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति रहता था जिसके पास अक्सर लोग अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेने के लिए आते थे। वह व्यक्ति लोगों की समस्या को हल भी कर देता था। कुछ ऐसे लोग भी थे जो एक ही समस्या को लेकर रोज उस व्यक्ति के पास आते थे और अपने हालात का रोना रोते थे। इससे वह व्यक्ति भी परेशान हो गया था और सोचा कि इनको मैंने हल बता दिया, लेकिन ये फिर भी मेरे पास उसी समस्या को लेकर रोज आ जाते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद वह बुद्धिमान व्यक्ति उन लोगों को एक चुटकुला सुनाता है और सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद फिर से वह व्यक्ति उसी चुटकुला को दोबारा सुनाता है और इस बार कुछ लोग सिर्फ मुस्कुराते हैं। फिर से वह व्यक्ति उसी चुटकुला को तीसरी बार उन्हें सुनाता, लेकिन इस बार कोई नहीं हंसता। फिर वह बुद्धिमान व्यक्ति इन सभी लोगों से कहता है कि अगर आप एक ही चुटकुले पर बार बार नहीं हंस सकते तो एक ही मुसीबत पर बार बार क्यों रोते हैं। इसके बजाय समस्या को हल करो और उसको ख़त्म करो। इसी प्रकार हम भी अपनी एक ही समस्या पर बार बार रोते रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, मुझे बस काम करना रहता है, बाकी ये सब वो सब जितना सोचेंगे उतना सोचते ही चले जाएंगे। मुझे किसी ने ये कह दिया, मुझे किसी ने वो कह दिया, बस मन में बातें बनाते बनाते इतना टाइम बीत जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं, बाकी हम सोचते ही रह गए। तो इसीलिए उनको हल करने के लिए कुछ नहीं करते और हम बस अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने टाइम को कोसते रहते हैं। इस तरह हमारा टाइम भी निकल जाता है, फिर बाद में हम और रोने लगते हैं। इसीलिए मुसीबत का रोना छोड़ो और समस्या को हल करना शुरू कर दो ना, कि हमें करना क्या है, हमें आगे जो करना है उस पर डिसाइड करो और उस पर काम करना स्टार्ट करो। समस्या अपने आप हल हो जाएगी या फिर वो बहुत पीछे छूट जाएगा, उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा। टाइपिंग करने के लिए, क्योंकि मेरी टाइपिंग में स्पीड बढ़ ही नहीं रही है, मेरी स्टॉप हो चुकी थी। अगर आपके पास कोई टिप्स या ट्रिक हो तो प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो फिर मैं भी हमेशा ऑनलाइन टाइपिंग करती थी, जिसकी वजह से ही मेरी मतलब पेपर से देख कर टाइपिंग करने वाली आदत छूट गई है या फिर हो ही नहीं पा रहा, कुछ ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। तो यहाँ पे ये देख रही थी टीवी और मेरे डिनर का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी भिंडी और इसकी सब्जी बनाऊंगी। फटाफट से मैंने इसको काट लिया था। रोटी वगैरह बनाने के बाद मेरे किचन की हालत कुछ ऐसी हो गई थी, फिर मैंने इसको क्लीन किया और बर्तन भी काफ़ी हो गए थे। उसको क्लीन करने के बाद मुझे अपने 75 डेज़ के चैलेंज का एक और चैलेंज बचा हुआ है, जो कि मुझे एक बुक पढ़नी थी जिसको मैं पढ़ने जाऊंगी। उसके बाद पढ़ूंगी और उसके बाद से ही मेरे ब्लॉग को एंड करूंगी। और ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, तो बिल्कुल फ्री है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।